सुनाए उनकी गाथा, कथा ये पावन बड़ी सुहानी। सुनकर बरसे आँख से पानी। अश्विन शुक्ला एक माई, घर घर माही खुशियाँ छाई। नगर चिड़ावा जन्म लिया था, प्रादुर्भाव शक्ति का हुआ था। अद्भुत अनुपम रूप निराला, मन को पावन करने वाला। पाकर कन्या को आंगन में, मात पिता हुए हर्षित मन में। देख कुंडली ज्योतिष बोले, अपने मन के भाव बिखोले। कन्या नहीं है ये साधारण, जग कारण का बनेगी कारण। शक्ति का स्वरूप ये कन्या, देवी का ये रूप है कन्या। जैसे अनुसुईया सावित्री, नाम रखो इनका गायत्री। प्रभु सेवा का कार्य करेगी, कलयुग में इतिहास रचेगी। सत्य अपना दिखलाएगी, घर घर में पूजी जाएगी। बाल काल से थी आसक्ति, विष्णु की वो करती भक्ति। वेद पुराण का सार बताती, भगवत गीता ज्ञान सुनाती। आँख मूंद जब ध्यान लगाती, दो दो छवि वो सम्मुख पाती। एक छवि विष्णु की आती, दूजी वो पहचान न पाती। गायत्री पूछे विचलित हो, प्रभु बतलाओ आप कौन हो। जब से आप हृदय में आए, मेरी वाणी सबको भाए। पग पग पर मेरी रक्षा करते, हर पल मुझको आप ही दिखते। कैसी है ये सारी माया, भेद मेरे कुछ समझ न आया। लगन लगाए विष्णु की गायत्री दिन रात, पहुंचे किशोर अवस्था में वह भी समय के साथ। जिसकी लगा कर बैठी थी बचपन से वे जिज्ञासा जो तेरे मन में। दूर करूं मैं वो एक क्षण में, मैं हूँ विष्णु का अवतारी। कलयुग का हूँ कलिमलहारी, एक भक्त तुम जैसा मेरा। जीवन साथी तेरा, सत्य धर्म उसका स्वरूप है। भक्ति का साकार रूप है, दिव्य तेज उसको है देना। दोनों को मैंने चीना, वह शिव है तो उसकी शक्ति। करोगे अनुपम मेरी भक्ति, लीला अद्भुत उत्तम होगी। त्याग भक्ति की ज्योत जगेगी, सत का झंडा लहराएगा। सतयुग खुद को दोहराएगा, अंतर ध्यान हुए बतला के। गायत्री की खुल गई आँखें, शुभ दिन सुंदर घड़ी वो आई। देव की नंदन के संग प्याही, कदम रखा जो घर के अंदर। दिखी वहाँ वो मूरत सुंदर, देव किसे पूछे गायत्री। हे स्वामी यह किसकी मूर्ति, देव के नंदन ने बतलाया। जिनका दर्शन तुमने पाया, ये है विष्णु के अवतारी। ये ही अपने पालनहारी, गंगा राम नाम है इनका। मिलता हर पल परचा जिनका, आराध्य देव है यही हमारी। हमको है प्राणों से प्यारे, गायत्री सुनकर हुई विस्मित। रोम रोम हर्षित और पुलकित, शिव को शक्ति मिलेगी।
मन में जगी थी, समय की धारा बहती जाए, पंचबेल भी बढ़ती जाए। चार पुत्रियां और पुत्र दो कुल दीपक बन करवाए, वो मात पिता परिवार के संग में रंगे हुए सब भक्ति रंग में। होने को सब थे संसारी, पर तृष्णा त्यागी थी सारी, सेवा भक्ति करते करते देर न लगती समय गुजरते। बाबा ने फिर वचन सुनाया, मंदिर का आदेश पठाया, देवकी नंदन वचन निभाए, पंचदेव मंदिर बनवाए। लीला प्रभु की समझन आए, निज भक्तों को खूब तपाए, घर परिवार कुटिल जन सारे दानों के विष बाण बीमारे। कोई उनको पागल कहते, कोई कहे आडंबर करते, कांटो भरी राह पर चलते, हर क्षण विष के प्याले पीते। कोई सयानी भी संताने, जिनकी चिंता लगी सताने, एक तरफ भक्ति पथ भारी, एक तरफ थी दुनियादारी। मात पिता की व्यथा को जाना, संतानों ने दुख पहचाना, बोले आपका व्यथित जो मन है, उस दुविधा का कारण हम है। आज प्रतिज्ञा करते हैं हम, ब्रह्मचर्य धारे जीवन, पंचदेव मंदिर का द्वारा अब होगा संसार हमारा। सुन संतानों का वचन, लगा कले देती स्तब्ध हो गए मात पिता, जो बिन प्राण शरीर सी बन कर रहना, तुलसी दल हाथों में देकर, वचन सत्य और धर्म कभी कर, बांट दिया धन वैभव माया, रिश्ते नातों को बिसराया, मन में संशय उन्हें हुआ जब, स्वर्ण दात भी दान किया तब, शाक पात आहार बनाए, पर मन में कभी सोच न लाए, मंदिर था बस एक ठिकाना, और कहीं ना उनको जाना। जब जब उन पर विपदा आती, गायत्री तब धीर बंधाती, समय चक्र भी खेल दिखाए, देव की नंदन जग तज धाए। गायत्री के सत की परीक्षा, आज प्रभु की कैसी इच्छा, चिता सजी थी मंदिर माही, द्रौपदी भांति तेर लगाई। धर्म हमारा जो है सच्चा, तो दिखला दो बाबा परचा, बाबा ने इतिहास रचाया, चमत्कार जग को दिखलाया। जय जय कारों की चौतिश से, हाथ उठा जब नश्वर तन से, बाल रूप और जल की धारा, चकित हो गया ये जग सारा। कलयुग में सतयुग से भक्ति, देव करे पुष्पों की वृष्टि, भक्त के वश भगवान है रहते, वेद पुराण यही है कहते। मात गायत्री ने लिया अपने सिर पर परिवार, जग माता तप धारिणी,
जीवन का नव मंत्र सिखाती, बिन मांगे सब कुछ दे देती, उसके सारे दुख हर लेती, ममता मई थी भोली सूरत, गायत्री करुणा की मूरत, सत्य हुई सब उनकी वाणी, सारे जग ने बातें मानी, भक्ति वृक्ष को ऐसा सींचा, बन गया वो वट वृक्ष सरीखा, संता ने थी माँ का संबल, साथ निभाती उनका हर पल, त्याग तपस्या भक्ति उनकी, अब सारे संसार ने देखी, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती, तीनों की छवि माँ में दिखती, मन में था सागर भक्ति का, संगम था तीनों शक्ति का, जन जन में विश्वास जगाकर, सत्य धर्म की राह दिखाकर, धीरे धीरे वो दिन आया, प्रभु का एक संदेश लाया, माता सबसे कहे बताओ, दशमी कब है यह बतलाओ, बाबा का संदेश है आया, दशमी के दिन मुझे बुलाया, संतानों को सौंप के लीला, महाप्रयाण जगत से कीना, मंगसिर शुक्ला दशमी आई, जग को तज निज लोक को धाई, देखा सबने जाते जाते, बोल रही थी माँ की आके, पहले तो था एक घर मेरा, अब होगा घर घर में बसेरा, मृत्यु रोग में लीला का करके पूरण का, मिलन हुआ शिव शक्ति का, फिर से शक्ति ने खेल रचाया, नवयुग का इतिहास बनाया, बाबा ने संदेश पठाया, उत्तम रुचिकर वचन सुनाया, देवकी नंदन भक्ति रूपा, गायत्री है शक्ति स्वरूपा, इनकी भक्ति का बल भारी, जान गई है दुनिया सारी, पंच देव निज धाम के अंदर, मंदिर इनका बनेगा सुंदर, जो प्राणी दर्शन को जाए, मेरा आशीर्वाद वो पाए, भक्ति की वह बहेगी धारा, पूजेगा इनको जग सारा, धाम बना फिर अति अभिरामा, आशीर्वाद मंदिर है नामा, युगल रूप में भक्त विराजे, शिव निज शक्ति के संग साजे, रूप अलौकिक दिव्य निराला, सारे संकट हरने वाला, बाबा के जो द्वार पे जाता, पहले इनको शीश नवाता, कितना ये सम्मान दिया है, निज चरणों में स्थान दिया है, त्रिशक्ति का संगम पावन, धन्य हुआ मंदिर का प्रांगण, सच्चे मन से जो भी ध्याता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, माँ गायत्री देव की नंदन, धन्य धन्य शत कोटि वंदन, कलयुग की यह पावन गाथा, जो भी सुनता और सुनाता, उनके सारे दुख मिट जाते, मन वांछित पल पल में पाते, एक मंदिर वैकुंठ है, एक मंदिर कैलाश, कृष्ण अवतार के संग शिव शक्ति का वास, कलयुग में ऐसा नहीं दूजा कोई स्थान, तीन शक्ति